बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू चिकन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो सबसे पहले फ्लेम ऑन करके हम ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कप ऑयल ऐड किया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। इससे बहुत मज़े की जो है खुशबू आने वाली है। तो 1 मिनट तक इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 लार्ज साइज़ की प्याज स्लाइसेस में कट करके। आपने प्याज को बहुत बारीक कट करना है। प्याज ऐड करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक के लिए प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने बस प्याज का कलर चेंज करना है, प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्याज फ्राई हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 600 ग्राम चिकन। तो मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। अब चिकन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए, जब तक चिकन का कलर जो है चेंज नहीं हो जाता। तो अभी हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम ही है, तो आपने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब आपको लगे चिकन का कलर चेंज हो गया है, चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। इसी से जो है इस रेसिपी का टेस्ट डेवलप होगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। अब यहाँ पर हमने इसको लहसुन अदरक ऐड करने के बाद अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब मैं यहाँ पर 1 लार्ज साइज़ का टमाटर जो है चॉप करके फिर ऐड करूँगी। साथ ही अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्ची और 1 टेबलस्पून खुश धनिया पाउडर। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मसाले ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मज़ीद इसे जो है 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि मसाला जो है अच्छे से इसकी भुनाई नहीं हो जाती चिकन के साथ। तो अगर आपको और भी चिकन की बहुत सी रेसिपीज़ चाहिए तो वो चैनल पे मौजूद हैं, आप चैनल को ज़रूर विज़िट करें। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से भुनाई कर ली है। ऑयल अलग हो गया, इसका मतलब बहुत अच्छे से जो है इसकी भुनाई हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। मैंने यहाँ पर 1/2 किलो आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने छील कर अच्छे से वॉश कर लिया और फिर कट कर लिया। अब आलू को चिकन के साथ मज़ीद 3 से 4 मिनट तक के लिए हम फ्राई करेंगे। बहुत ही अच्छा जो है इससे इसका टेस्ट डेवलप होगा। आप इस रेसिपी को एग्जैक्ट ऐसे ही फॉलो करें तो ये बहुत ही डिलीशियस जो है बनके तैयार होगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो है आलू को चिकन के साथ बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप आलू कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी के मुताबिक। आपने इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल जो है अच्छे से अलग नहीं हो जाता। अब यहाँ पर ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही। दही को अच्छे से फेंट के फिर ऐड करेंगे और दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दही के साथ मज़ीद जो है आलू और चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद जो है दही के साथ भुनाई कर ली है। इसी तरीके से भुनाई जब भी करें तो कोशिश करें कि मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही भुनाई करें, इससे इसका बहुत अच्छा जो है टेस्ट आएगा। लो फ्लेम पर भुनाई करते हैं तो उससे टेस्ट नहीं आता है। तो देखिए यहाँ पे एक दफ़ा फिर जो है ऑयल बहुत अच्छे से अलग हो चुका है, यानी बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 छोटी हरी मिर्चें। साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 ग्लास जो है पानी का ऐड किया है। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का ग्लास यूज़ किया और उससे पानी ऐड किया है। हमें चिकन को ज़्यादा गलाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा अच्छे से भुनाई कर ली है कि बहुत जल्दी जो है चिकन गल जाएगा। तो आप उतना ही पानी ऐड करें जितना आपने इसमें शोरबा रखना है। अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर रख देंगे 10 से 15 मिनट तक के लिए। अब 10 से 15 मिनट बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून जो है हरा धनिया अच्छे से वॉश करके बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। हरा धनिया हम इसमें इसी पॉइंट पर ऐड करेंगे और इसके साथ हम इसे पकाएंगे, तो बहुत ही अच्छा जो है टेस्ट आएगा और बहुत ही प्यारी खुशबू आने वाली है। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू जो है तकरीबन 90% डन हो चुके हैं, चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे कवर करके
मिक्स करके हम अच्छे से रख देंगे 5 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि ऑयल जो है वो अलग हो जाए और बहुत प्यारी जो है खुशबू इसमें। हमारा आलू चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल अलग हो गया है, अब हम फ्लेम ऑफ करके इसे सर्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको आलू चिकन की रेसिपी पसंद आई होगी, ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही खुशबूदार बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।